नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। स्वागत है दोस्तों आप सभी के मेरे एक नए ब्लॉग में। ऐसा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं और हमारे साथ में हमारे बड़े भैया डॉक्टर नवनीत संगम जी, जो कि आज इनको खुद ही डॉक्टर के पास लाए हैं, जो कि इनका कुछ दिनों से PGI से दवा चल रहा था, जो कि आप सभी को पता था। एक बार हम दिखाए थे बलिया से दवा लेते हुए, तो दवा से काफ़ी रेस्ट होने के बाद अब इनको डॉक्टर बोला थेरेपी कराने के लिए। तो भैया को हम लोग रसना में लाए हैं थेरेपी कराने के लिए और अभी आप सभी को मिलवाएंगे भैया से। आइए भैया। भैया सुजीत संगम ब्लॉग से फोन को देखने वाले सारे परिवार को प्रणाम। आशा करते होंगे बहुत ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आज आए हैं हम भी फिजियोथेरेपी के लिए। और काफ़ी दिल्ली के मशहूर एक हमारे नवयुवक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल अहद, जिनके हाथों में एक जादू सा है, तो देखते हैं वो जादू हम पे कैसे चलता है, मिलते हैं। तो अभी हम लोग उनको फ़ोन किए थे, तो अभी वो आने वाले हैं, तो आप सभी को दिखाते हैं कि क्लिनिक उनका कैसा और कैसे इलाज होता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद होम्योपैथिक, और यहाँ पर जो कि हम लोग को इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना है। तो अब्दुल फिजियो क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर पर आ चुके हैं हम लोग, और ये है क्लिनिक। तो अंदर चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या हो रहा है, और अब यहीं पर भैया का हमारा इलाज चलने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब है जो कि इनका इलाज कर रहे हैं और थेरेपी कर रहे हैं मशीन द्वारा। तो ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, अभी आगे आप सभी को दिखाते हैं कि इस कपिंग थेरेपी को कैसे किया गया है, आप सभी को मैं बताता हूं, और देखिए कैसे इस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहब नवनीत संगम जी, कैसा महसूस हो रहा है बताइए। देखिए कहते तो लोग हैं कि इनके हाथों में जादू है अब्दुल अहद जी के। अच्छा अच्छा, अब वही ये जादू हमारे शरीर के ऊपर चलना शुरू हुआ है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन आगे देखते हैं। तो आप कितने दिन से परेशान थे डॉक्टर साहब? हम लगभग 6-7 साल से परेशान थे, बहुत सारी जगहों पे दिखाने के बाद हमें कुछ बहुत बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला। लास्ट टाइम हमको PGI से थोड़ा बहुत रिस्पांस मिला, और उसके बाद फिजियोथेरेपी के लिए वो किया गया, और फिर हम इनको ज्वाइन किए। मतलब आपका इससे पहले कहाँ से दवा चल रहा था? इससे पहले PGI से दवा चल रही थी हमारी साल भर से। चलिए अब इनके यहाँ से रिलैक्स है? बहुत रिलैक्स है। कितने दिन? 15 दिन हुए हमको, और हाँ 15 दिन में हमको बहुत सारा रिलैक्स मिल गया, अब हम उठ बैठ ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है।
जो मेरा शेर गरज रहा है कर रहा है लेकिन गरज रहा है ना वैसे ना वैसे पर पूछिए इनसे कितना दर्द हो रहा है कैसा फील हो रहा है कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा जैसा एक्चुअली में होगा वो बताइए। हाँ तो आपको कैसा महसूस हो रहा है नवनीत संगम जी? भैया जब कटिंग चल रही है ब्लेड से उस समय थोड़ा सा माइनर समझ में आ रहा है लेकिन वही कहते हैं ना हाथों में जादू वाली बात। अच्छा अच्छा मतलब डॉक्टर साहब के समझ में आ रहा है मतलब डॉक्टर साहब के हाथों में कला और जादू है मतलब ना। हाँ तो भाई देखिए इतने बेहतरीन डॉक्टर आपको इस एरिया में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूँगा, आप सब संपर्क कर लीजिएगा और आप सब आ सकते हैं। क्या लगा था? वो निकलेगा, अदर नहीं निकलेगा, कितना भी चीर फाड़ कर लीजिए नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। तो देखिए कितना गंदा ब्लड इनका निकला है जो कि देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। और यह इनका आखिरी ट्रीटमेंट चल रहा है और जो कप लगा था वो निकल रहा है, आप सब देख सकते हो इसका आखिरी समय आखिरी ट्रीटमेंट। नहीं जी। तो यहाँ पे इनका आखिरी ट्रीटमेंट चल रहा है और देख सकते हैं कपिंग निकल रहा है और कितना जो मतलब शरीर का जितना गंदा ब्लड है। क्या है डॉक्टर साहब क्या चीज़ निकल रहा है? टॉक्सिफिकेशन होता है। अच्छा जितना वेस्ट ब्लड होता है आप सब देख सकते हैं जितना वेस्ट ब्लड है सब बॉडी में इसके द्वारा निकल जाएगा और जो भी बीमारियां होगी जो कि ख़त्म हो जाएंगी। तो थेरेपी का ये फ़ायदा है। हम डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इनका नंबर दे देंगे डॉक्टर साहब जी का, देख सकते हैं ये हमारे बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर जो कि आप सब पीछे बैनर भी देख सकते हैं इनके जितने सर्टिफिकेट मिले हैं और अब्दुल अहद जी हैं और इनका क्लिनिक है रसड़ा में। तो आप सब एक बार आइएगा और अपने सेवा का मौका दीजिए इनको। और अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो घुटने का दर्द कमर दर्द गर्दन का दर्द लकवा साइटिका फ्रैक्चर के बाद जो भी कुछ हो मतलब आपको फुल रिलैक्स मिलेगा यहाँ पे। तो एक बार अगर आपको इसमें से कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो एक बार इनके यहाँ कॉन्टेक्ट कीजिए। और आप सभी को मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही।